श्रीकाल दोस्तों, मैं धर्मा हरियाऊ, तुसी देख रहे हो रंग पंजाब दे यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, अज रंग पंजाब दे टीम पुजी हुई है जिला संगरूर दे जखेपल पिंड दे विच, जिथे के अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिडारियों ने, NRI भरावान ने, रैफरिया ने, कमेंटेटर ने इकट्ठे होकर एक मालवा माफ करना संगरूर बरनाला मलेरकोटला लीग जी नवे खिडारियों को प्लेटफॉर्म दिता है, वह अज पंजवा टूरनामेंट है जिहड़ा जखेपल की धरती पूर्ण पहलवान रुस्तम हिंद पहलवान पूर्ण सिंह जखेपल उस खेड स्टेडियम के आओ फिर नाले आप ग्राउंड का नज़ारा तकांगे ते नाले इत्थे जिहड़े साडे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी ने उन्हां दे नाल गलबात करांगे। आओ फिर दिखाउंदे आ तुहानू कबड्डी का नज़ारा। दोस्तों हुण साडे नाल ने जखेपल दे खेड मैदान ते संगरूर बरनाला कबड्डी दी लीग दे जो मैच चल रहे ने, साडे नाल ने भाई काला धनौला जी, दर्शन बच्ची कराचो जी, गोगी शार जी, ते नाल ही साडे छन्ना वाले भरा काला जी धूरकुट। ते आपां करदे आं गलबात भाई दर्शन जी दे नाल, क्योंकि भाई कहिंदे वी साडे थोड़ा जिहा बोलण दे विच दिक्कत है। दर्शन भाई जी, आपां ने इह जदों शुरू कीती सी लीग ते अज आपणा पंजवां टूरनामेंट है, ते किस तरह दा रिहा एक्सपीरियंस, आपां किवें किवें अग्गे वध रहे हां जी? बहुत ज़्यादा अगे बढ़ रहे हैं जी। बाकी जो भरावान का साढ़े प्लेयर का साडा साथ रहा, नवे प्लेयर साथ देवे अं जी, पहला नो सा बहुत ज़्यादा फर्क पै गया, जो सा पंजा मैच है बहुत वधिया हो रहा। बाकी साढ़े ना पुराने प्लेयर काला धनौला गा, अज के स्टार ने, भूरी छंडाला हो गया, काला हो गया, खुशी जिन्हें भी तकड़े प्लेयर, जो भी सार हो गया, साडा पूरा सहयोग दे रहे हैं। इन्हों का सहयोग साढ़े नाल रहा, बाहरले NRI का साढ़े सहयोग रहा, तो इन अभी अगे अगे स्टैप अगे अगे सिरे ले जावे। बाकी दाते की कृपा। बिल्कुल जी बिल्कुल, दाते की कृपा मेहनत के नाल है जी। सारे बंदे जुड़े अगे तुरे नवे खिडारी ने जोड़े, वो हूँ की महसूस करते हैं तुहाडे नाल, जिहड़े तुहाडी टीम दे ने, तुसीं उहनां नूं मिलदे रहिंदे हो, जां जिहड़े NRI भरा साडे नाल जुड़े ने जिहड़े इस कबड्डी नूं अप कर रहे हैं, तो उहनां नाल वी तुहाडी गल हुंदी होवेगी, तो वो किस तरह महसूस करदे ने, आपां कित्थे खड़े आ, किवें लग रहा? नहीं, जिहड़े साडे NRI भाई ने जी, वो कहिंदे साडा बहुत वधिया उपराला जी। बाकी साडे नवे प्लेयर सानूं इत्थे मिलदे ने, वो जो सानू मिलते हैं सूँ बिल्कुल बहुत खुशी होंगी आ, जो सूँ कहते हैं भाई आह बहुत वे काम किया गा। बाकी छोटे वर्ग के वीर का कमेंटर का बहुत साढ़े सहयोग आ, तुम ज्यादा साथ दे रहे हो, ठीक नहीं? देखो साथ तो सब का फर्ज है, क्योंकि कबड्डी ने सानू इतने तक लिया, आप भी कबड्डी वास्ते कुछ करिए, यह सारे की जिम्मेवारी है। सो बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा जी, सत श्रीकाल। सो दोस्तों हुण साडे नाल ने मां खेड कबड्डी के अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी भारतीय टीम के खुशदीप गिल जी दुग्गा वाले। आओ फिर आप संगरूर बरनाला मलेरकोटला लीग के बारे करते हैं गलबात। खुशी भाई, जो सोच के जो थोड़े माइंड के भी आप काम आप करिए, तो थानू कि लगता भी इस चीज़ में बूर पै रहा है? नहीं जी, जिदा सोच के लगे जी बहुत वधिया हो रहा, फिर भी थोड़ा जहा हजे जिदा कि लगता लगता भी सारे जिदा कि मतलब आप टीम कहीं ध्यान ज्यादा दे रहा, तो रूल रेगुलेशन कहीं भी जिदा घट दे रहा, पर हुण सारिया टीमां बैलेंस हो गई, हुण जिहड़े रूलों से असीं कबड्डी चाहुंदे आ असीं उहनां दी करावांगे, किसी भी टीम नूं किसी भी टीम लई असीं रूल भंग नहीं करांगे। इस बार साडा पहला साल सी, असीं ने जिदा नवें जिहड़े लैके आए आ वी जिहड़े बाहर नहीं खेडे, अगली बार जिदा इहनां दी असीं एज रख दांगे वी किन्नी एज तक असीं इह खिडा सकदे आ, 24 साल तक या 21 साल तक या 22 साल तक, भी इदा भी असी जिदा कि हुण नवें रखे तो अगले साल जिदा कि एज रख के इदा बहुत वधिया हंगारा मिल रहा, तां करके कहने भी अगले साल सोच रहे हैं ते भी एज रख के करावांगे, तो वधिया ढंग नाल कबड्डी नूं करावांगे। तो जिहड़े अपने नाल स्पोंसर जुड़े ने NRI भरा, जिन्हां दे सिर ते कबड्डी इत्थे तक है, ते ओह की महसूस करदे ने, उहनां नाल तुहाडी गलबात हुंदी रहिंदी है जी? साडा इदा ही है जी, वह दसे नौ की आपकी किरत लाउंदे आ, भेजते साडे कोले उन्हां दी किरत जिहड़ी सही थां ते लगे, साडा इह फर्ज आ। हाँ बहुत खुश आ, ते मैं तां जिद्दां कि ला लो भी जिन्ना भी कोई जिवें भी हुंदा सारा हिसाब करी जांदा, ते सारा हिसाब जिद्दां जिहड़े NRI ने साडी टीम लई पैसे भेजे उहदा सारे हिसाब दा बाद च जिद्दां उह दस्सांगे, ते मैं तां होर टीमां नूं वी कहिंदा वी आपदा वधिया उन्हां दा विश्वास बना के रखो, पैसे दी कोई तोड़ नहीं आउणी, पर जिहड़ा उन्हां दा पैसा भेजा हुआ उह सही थां ते जो कबड्डी लई भेज रहे ना कबड्डी ते लगे ते वधिया रहूगा। ते जिहड़े नवे मुंडे आपां ने नाल जोड़े ने ते उन्हां नाल वी गल हुंदी आ, उह किन्ने क खुश ने, उह की महसूस करदे? नहीं बहुत खुश आ जी, क्योंकि सारे प्लेयर स्टैमिना कनी बहुत मार खांदे आ, है ना, आप भजौड़ की टीम आ, बहुत वधिया मेहनत वाली टीम, अच्छ तीजा मैच खेड रही है फिर भी हंबे लगते हैं ना, मेरी टीम आ दो सैमीफाइनल खेडी आ ना, चलो बहुत वधिया दिन दिन प्रति परफॉर्मेंस आँदी आ, पर थक जाते हैं,
ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਨਾਮ ਦੀ ਟੀਮ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਨਾਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲਾ ਲਓ ਹੁਣ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਚ ਹਾਰਦੀ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਬੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖੋ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਬੱਡੀ ਕੋਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਤਕੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਬਰਨਾਲਾ ਲੀਗ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਪੰਜਵਾਂ ਮੈਚ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਬਰਨਾਲਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੀਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਚ ਟੀਮਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੀਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਵਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲੀਗ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਟੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹਰਾ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਜੋ ਫਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਲੀਗ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲੀਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਹ ਕਮੈਂਟਰ, ਰੈਫਰੀ, ਓਲਡ ਪਲੇਅਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਮੇਲਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਚੜ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਮਾਲੂ ਵਾਲੇ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ ਇਹ ਲੀਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਗ ਲਾਇਆ ਪੁਰਾਣੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ 2-3 ਮੈਚ ਵੇਖਿਆ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਲੇਅਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦੁਬਾਰੇ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਕਬੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਕਬੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੇਮਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੀਗ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਾਈਏ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਬੱਡੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਗ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਐਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਸੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਪ ਤਾਂ ਕਬੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਇਕੱਠੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਲੇਅਰ ਸਾਰੇ ਅੱਡੋ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਜਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਵਧੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਲੇਅਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਆਪਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਬੱਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਲੇਅਰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਨਿੰਦੀ ਵਰਗੇ, ਫੌਜੀ ਵਰਗੇ, ਕਰਮੀ ਵਰਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੰਨੇ ਲੀਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਲੇਖਕ ਸਤਪਾਲ ਖੜਿਆਲ ਜੀ, ਆਓ ਇਸ ਲੀਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਪਾਲ ਜੀ, ਇਸ ਲੀਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਹੈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਧਰਮਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਿੱਥਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੀਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਪੰਜਵੇਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਜਖੇਪਲ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਇਕੱਠ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੈਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਸੀਗਾ ਉਹ 35-36 ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਲਾਸਟ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ, ਉਹ
5-6 लाख तो ज़्यादा बजट हो गया सी खासकर संगरूर बरनाले दे विच ते ओ लोग दोबारा कबड्डी करा सकते ने। साडा जिहड़ा टूरनामेंट का बजट है ग्राउंड का वो 1.5 लाख रुपए है ते उस तो बाद थोड़ा 1,70,000 रुपया होर खर्चा सदा प्रबंधा दे विच वो तुसीं जिहो जिहा करोगे तुहाडे ते डिपेंड करदा है। मतलब कि 2.5-3 लाख रुपए के बहुत सोहना लीग का टूरनामेंट जिहड़ा आप करा सकते हैं ते सानू हुंगारा बहुत वधिया मिल रहा साडे कोल अगे भी बहुत सारे टूरनामेंट आ पूरा महीने ही बुक हैगा। अज का जो टूरनामेंट है ना ये सारे नो जो बखरा देखने लगता है जिमें क्या प्रबंधा के पक्ष तो भी तो मैचों के पक्ष तो भी तो रही गल इकट्ठ की इकट्ठ बहुत है यू देख के तुम तुम कि लगता है। देखो जी जखेपल पिंड है आप बचपन तो सुनते आ रहे हैं भी कबड्डी खिलाड़ियों का पिंड है जे इतने अच्छे प्रबंध नहीं होने जो इतने लोग नहीं जुड़नगे फिर जखेपल की कबड्डी की गल करनी भी एवें जी लगती है। सो जखेपल के अच्छ कबड्डी के घर जखेपल के बहुत रिस्पोंस मिले है बहुत चंगा लगा और जोड़े थोड़े प्रबंधक ने गोविंद जी जखेपल सुरेंद्र जखेपल राज जखेपल बूटा सारे वीर ने हरभजन सिद्धू होर ने बहुत सोहने प्रबंध किए ने खिडारियों की रिफ्रैशमेंट का बहुत वधिया प्रबंध है दर्शकों के लिए टेंट लाए गए हैं छां की गई है बैठने के बहुत वधिया प्रबंध ने बड़ा चंगा हुंगारा सानू जखेपल तो मिले है तो ये एक आस बजती है भी आप इस प्रोग्राम अगे बहुत वधिया तरीके लेके जावांगे। धन्यवाद दोस्तों हुण साडे नाल इक कबड्डी खिडारी ने दीपगढ़ के दीदार जो कि इस लीग के खेल रहे हैं भदौड़ की टीम के जिहड़े जाफी ने ते आपां इन्हां तों जाणदे आ भाई दीपगढ़ वाले नौजवान जो इस लीग के खेल रहे हैं अज तुसीं पहली बार फाइनल के पहुंचे हो किवें लगे? बहुत वधिया लग रहा जी सानू सानू गुरप्रीत बाई वर्गिया ने कद्दी वर्गिया ने सानू खुशी बाई वर्गिया ने सारिआं दा धन्नवाद करदे आ जिन्हां ने यह लीग चलाई आ ते नवें प्लेयरां नूं खेडण दा मौका दित्ता। धन्यवाद भाई तुम लगातार 5 टूरनामेंट खेडे हो पहले टूरनामेंट जो लॉस करके अज जो टीम फाइनल के पहुंची है कि मेहनत करनी पी तो किस तरह महसूस कर रहे हो? बहुत मेहनत करनी पी साडे ना टीम थोड़ी जाफ लैन आ जी सारे नवे मुंडे आ रेड लैन भी साड़ी बहुत वधिया गई हुण जी आने वाले मैच आ जिन्हें भी होणगे साडी टीम वधिया खेडूगी जी पूरे वधिया प्रदर्शन करूगी साडी टीम अज दुने मैच लगे साडे पहला मैच तो सेमी मैच लगे बहुत टफ लगे जी साडा मैच तो वधिया पूरियां ये लीग दियां सब तो बेस्ट टीम ने दोने वो धूरी तो सुनाम उन्होंने हरा के साडी टीम फाइनल पहुंची आ बहुत वधिया बहुत खुश है साडी सारी टीम साडे कोच भाई पम्मा राजा राय सरिया भाऊ तो वजीरा अमन सिंह वाला ये बहुत तगड़े खेडे आ इन्हां नूं टीम खिडाउण दा बहुत ज़्यादा तजर्बा गा तो इन्होंने साडी टीम नूं बहुत ढंग नाल ते वधिया तरीके नाल खिडाउंदे आ ते सारे साडे नाल आउंदे आ ये भी है नहीं गा भी कोई दो बंदे घरे बह गए कोच आपड़े साडे प्रमोटर जुड़े साडे नाल बाई आर के हैप्पी राय सर तो होर भी साडे एक दो प्रमोटर वो साडी बहुत सपोर्ट करते हैं सानू बहुत वधिया लगता है टीम खेड के मैच बहुत वधिया खेडदा साडे रेडर भी बहुत वधिया अज बेस्ट जाफी बने कितनी खुशी है? बहुत खुशी है जी अज बेस्ट मैं दो मैचों का बनेगा तो मैं मीमसा भी एक पहला मैच ही खेडिया तो वह भी बेस्ट रहा तो आने वाले समय से वधिया टीम खेडू साडी फाइनल दे विच अज बने हाँ फाइनल दे विच साडी पहली बार टीम पहुंची है जी अज तो पहली बार ही बेस्ट बने सानू बहुत ज़्यादा खुशी है जी हाँ जी हाँ बिल्ले भाई फाइनल दे विच तुसीं 5-4 टूरनामेंट बाद 5वें टूरनामेंट के फाइनल दे विच पहुंचे हो बेस्ट रेडर बने हो कितनी खुशी है जी? बहुत खुशी है जी परमात्मा मेरे घर अगे भी बेस्ट बना गए बस 8 फीट तो बचा के रखे जी जोर मारा जी कितनी मेहनत करनी पई मेहनत तो जी कर दी जी मेहनत बस होर वधा देंगे हुण जी जी हाँ जी धन्यवाद दोस्तों हुण साडे नाल ने मां खेड कबड्डी के प्रसिद्ध खिलाड़ी ने अपने समय के गोविंद खेपल तो उन्होंने नाल साडे हरभजन जी ने जिन्होंने अज पंजवां टूरनामेंट है जो जखेपल की धरती से करवाया आओ करते हैं गलबात गोविंद भाई जी अज तुसीं पंजवां टूरनामेंट इत्थे करवाया कि जो तुसीं शुरू किया अज का रिजल्ट मिलया तुहानूं किवें लग्या तुहानूं उम्मीद सी वी इन्ना इकट्ठ होऊगा जां टूरनामेंट वधिया होऊगा? जिहड़ा अज टूरनामेंट होया मेरी तकरीबन 50 साल की उम्र होगी मैनू जिन्ना लोगों ने साडा सहयोग दिता है मैनू अपनी जिंदगी इन्ना सहयोग किसी टूरनामेंट से जा बार अंदर कितने नहीं मिले हाँ जी जदों शुरू किया तो उम्मीद हैगी भी मैच इदा ही खड़कणगे नहीं मेरे नाल जिहड़ी मेरे नाल मैनेजमेंट सी हरभजन होरी राज होरी सुरेंद्र होरी ते कबड्डी खिडारी इन्हां तों मैनूं फुल उम्मीद सी ते इन्हां ने भी साडे ते आस करी सी कबड्डी लीग किवें रहेगी मां भी कबड्डी लीग जदों लोग देखणगे तां रिजल्ट बाद च ही देणगे बिल्कुल हाँ जी गुड गुड रिजल्ट है जी बिल्कुल खुश हो फिर अज बिल्कुल खुश हाँ जी सारा क्लब नगर क्योंकि चार पंचायतों ने जखेपल पिंड बहुत वड्डा बिल्कुल हाँ जी बहुत खुश हाँ जी असं माण करते हैं असं तो विश्वास भी दवाने भी असं अगली बारी जो कोई इतू वधिया लीग होगी
उदू प्रबंध जो वधिया करके दिखावे बिल्कुल जी अज जो हम पांच टूरनामेंट होने पैसे हर एक बंदा वधिया करने की ही कोशिश करता है सारे अपने हिसाब से वधिया करते पर अज कुछ वखरा सी जी ये वास्ते फिर तुहाडी कोई वखरी प्लैनिंग सी सारे पंजे दी जो अज होया जी अज जो किसानी संघर्ष चल रहा है उसने मुद्दे रख से जो टूरनामेंट है विदाउट पॉलिटिक्स होया इसका नवी पनीरी से जब लोगों उत्साह बहुत सी इस करके असं लोगों का बहुत धन्यवाद करते हैं मैनेजमेंट कमेटी का एन आर आई वीर का जो भी एन आर आई वीर से जो भी मतलब है जिन्हें भी साढ़े स्पोंसर से उन्होंने सारा तह दिलों धन्यवाद करते हैं जिन्हें भी साढ़े अलाउंसर वीर से तुम हो गए मास्टर अपने जिन्हें भी अलाउंसर वीर उन्होंने भी धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू।